हेलो एवरी वन माई नेम इज पार्क एंड वेलकम टू द वैल्यूशन स्कूल फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज के इस सेशन में हम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं फोरकास्टिंग मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टक हो जाते हैं जब उन्हें बोला जाता है कि आप रेवेन्यू को फोरकास्ट कीजिए आप ई पी एस को फोरकास्ट कीजिए आप ऑपरेटिंग मार्जन्स को फोरकास्ट कीजिए एंड आपने देखा होगा मोस्टली जो लिंगडन के ऊपर सो कॉल्ड लोग फाइनेंशियल मॉडल डाल देते हैं जिनके नीचे आप बहुत सारे कमेंट्स में अपनी ईमेल मेल देना शुरू कर देते हो आप कभी अगर उनके फाइनेंशियल मॉडल को थोड़ा बढ़ा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो लोग क्या करते हैं वो लोग एक रेट लेते हैं और उसको उसी रेट को कॉन्स्टेंटली पूरे फोरकास्ट पीरियड के अंदर पेस्ट करके जैसे तैसे करके फाइनेंशियल मॉडल बना देते हैं वी आर नॉट गोना डू दैट मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग कैसे की जाती है फोरकास्टिंग यूजुअली दो टाइप से होती है फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिफ फोरकास्टिंग हम हमारे इस कोर्स में क्वान्टिटेटिव फोरकास्टिंग के ऊपर फोकस रखेंगे इफ यू वॉन्ट मैं थोड़ा सा क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के ऊपर एक अलग कभी वीडियो में बात कर लूंगा बट दिस इज नॉट समथिंग उसके लिए काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जैसे कैपिटल लाइक एक डेटा बेस है थॉमसन रॉयटर्स का डेटा बेस है ब्लूमबर्ग का डेटा बेस है बहुत सारे डेटा बेसिस के रिक्वायरमेंट है बहुत सारे री तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग करते हैं उनके पीछे पूरी रिसर्च टीम होती है राइट right? सम पीपल आर डूइंग रिसर्च ऑन macroeconomic इकोनॉमिक Some सम आर डूइंग रिसर्च ऑन सेक्टर और उनके पास ऑलरेडी उनका पूरा स्टेब्लिड डेटाबेस होता है सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वान्टिटेटिव फॉरकास्टिंग के ऊपर बात करेंगे डोंट फर यू दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू अच्छा इतना बहुत हो गया एक चीज मैं और बोलता हूँ आई एम सीइंग दैट अलॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग द वीडियो बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट फ आर वॉचिंग द वीडियो ईच एंड एवरी वीडियो मैं जो भी डालता हूँ सम ऑफ यू आर सो प्रोएक्टिव दैट दे रीच आउट टू मी ऑन लिंगडिन एंड वो मुझे हर वीडियो पर अपडेट देता है कि सर हमने ये कर लिया हमने वो कर लिया हमने ये कर लिया दैट इज़ रियली गुड हाईली अप्रिशिएबल बट मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए एंड बिलीव मी वन थिंग इफ यू रियली ट्रस्ट ऑन मी मैं आपसे ऐसी कोई भी चीज़ करने नहीं बोलूंगा जिसमें या तो आपका नुकसान हो या मेरा फायदा हो Okay. So, you can completely place trust on me. If you really, if you really, really like this channel and really support, want to support the initiative which I'm taking or which I'm running. So, please, please, please share this particular channel, this particular financial modeling playlist with your friends, with your group and whatnot. And always suggest people to at least consider watching our videos before taking expensive financial modeling courses. Okay. So, let's start. Haji. मोस्टली आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम ग्रोथ कैसे निकालें ठीक है भाई वीडियो में फिर बता रहा हूँ वीडियो स्लो होने वाला है ये मेरा टीचिंग स्टाइल है इफ यू लाइक इट प्लीज वॉच टिल द एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू हैव ऑल द राइट्स एंड ऑल द मीन्स इन द सोल टू लीव द वीडियो एंड वॉच एनी अदर एंटरटेनमेंट वीडियो विच यू वॉन्ट टू ओके चलो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इट कम्स विथ टू फैक्टर्स सो आई कैन से दैट इट्स अ डबल एच स् वॉर्ड ना द्लस इज एक प्लस ये होता है कि इट विल इंक्रीज योर कैश फ्लोज इन फ्यूचर इंक्रीज योर कैश फ्लोज प्रॉफिट वॉट नॉट इन फ्यूचर फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज करेगा बट इसके लिए इसका जो एक नेगेटिव आस्पेक्ट यह होता है वो नेगेटिव आस्पेक्ट होता है दैट यू नीड टू पुट मनी इन द बिजनेस मैं बोल रहा हूं पुट मनी इन द बिजनेस इसको हम लोग बहुत ही प्यार से बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट कि आपको बिजनेस में कुछ वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव द ग्रोथ इन द फ्यूचर ओके सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर अ बिजनेस जनरेटेड प्रॉफिट्स राइट जब भी बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है एक वो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इन्हें सारे ऑपरेटिंग खर्चे सब कुछ निकालने के बाद एक वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जाता है सम पोर्शन गोज टू डेट होल्डर्स ठीक है डेट प्रोवाइडर्स राधा दोज प्रोवाइडेड डेट टू अस तो उनको हम लोग पे करते हैं इंटरेस्ट ओके देन वॉट इज लेफ्ट विद द बिजनेस वी कैन सेफली कॉल्ड एज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इन्हें हम अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोल देते हैं प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विथ अटमोस्ट फोकस ओके नाउ ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है अब मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है वेदर वी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंपलसरी इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट वेदर दे वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द और नॉट इफ दे वॉन्ट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिडेंड इफ दे देट वॉन्ट कैन जस्ट गिव द रैशनल दैट यू नो वी डोंट थिंक दैट इट इज अ राइट टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द लाब ला ला कर देंगे ओके okay. सो so, <coughs> जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस अर्निंग्स अवेलेबल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर में से तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स वी कॉल्ड दम रिटेन प्रॉफिट ओके आप आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ठीक है साथ साथ नोट बनाते जाओ इतना कुछ है नहीं इफ यू वॉन्ट आई कैन जस्ट गिव दिस स्लाइड ऑल्सो डोंट वरी ठीक है बट स्टिल कुछ तो करो सब बैठे बैठे लोग ठीक है चलो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन अर्निंग्स अवेलेबल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया एक हो सकता है डिविडेंड एंड दूसरा हो सकता है रिटेन्ड मनी ठीक है और इस रिटेन मनी को ही मैं बोलता हूं री इन्वेस्टमेंट मैं क्या बोलता हूं मतलब इसी को बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट ओके नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस ये जो मेरा डिविडेंड है इज इट बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर राइट नाउ क्या देखो ये पूरा का पूरा पैसा है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का है. वो चाहें तो पूरा का पूरा पैसा घर लेके जा सकते हैं ओके कंप्लीट मनी दे कैन टेक एट देयर होम नाउ ये जो डिविडेंड है दिस इज द कैश रिसीट द कैश बेनिफिट ऑफ द कारंट ईयर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी कि कंपनी ने कुछ पैसा कमाया उसमें से इतना कैश आज ही आज ही में एम फोकसिंग अगेन एंड अगेन ऑन आज ही करंट 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 ओके सो दिस इज द करंट बेनिफिट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर इन देंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओके ये जो रिटेन मनी है ये बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है वेन दिस इज बींग री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस तो क्या ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट नहीं है बिल्कुल है बट नॉट टूडे ये जो री इन्वेस्टमेंट है दिस विल कन्वर्ट इन टू ग्रोथ इन द फ्यूचर इर्स जब फ्यूचर ईयर्स में ग्रोथ होगी बिजनेस की तो डेफिनेटली बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट ऑन करेगा बिजनेस का मार्केट में प्राइस परसेप्शन ज्यादा अच्छा होगा अगर बिजनेस कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहा है तो मार्केट में बिजनेस की प्राइसिंग अच्छी होगी बिजनेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होगा सब्जेक्ट टू इट्स ए लिस्टेड कंपनी ओके सो पूरा फंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का है जस्ट द डिविजन इज कि ये दिस इज आर करंट ईयर प्रॉफिट कि आप आज ही बेनिफिट लेके जाओ राइट नाउ राइट देयर राइट नाउ सॉरी एंड द सेकेंड इज दैट नो नो प्लीज डोंट टेक द डिविडेंड राइट नाउ और टेक सम अमाउंट ऑफ द डिविडेंट बिकॉज वी नीड आर बिजनेस टू ग्रो इन फ्यूचर राइट एंड इट इज योर कंपनी वी विल ग्रो इट इन फ्यूचर क्या होता है आप समझना से फॉर एग्जाम्पल आप हंड्रेड रुपीज का डिविडेंड लेके गए <coughs> ये कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया ओके okay. अच्छा ये जो सॉरी टू कट इन बिटवीन बट ये जो प्रोसेस होता है ना वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड इफ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड हाउ मच डिविडेंड वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच मनी वी नीड टू रिटेन सॉरी एंड वॉट टू डू विद रिटेन मनी इसे बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन दोज हैव स्टडीड कारपोरेट फाइनेंस उन्होंने पढ़ा होगा

And even if we need the money in the near future, our, sorry, our cost of capital, our cost of capital is way higher than return on equity. जब ऐसा होता है ना that कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर देन द रिटर्न ऑन इक्विटी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है ना जस्ट गो and गूगल दीज go words, ओके okay?

Say this is EAS. Okay, again, two first is dividend, and another is reinvestment. Now we will understand it economy-wise. Okay, that how the corporates should behave in emerging market economies and in developed market economies. So, first take the example of developed market economies. आई एम नॉट फैन ऑफ टेकिंग एनी यू नो नेम्स दैट यू एस या यूके या समथिंग लाइक दैट जस्ट अंडरस्टैंड एक ग्लोबल परस्पेक्टिव लेके चलो सो so, आप ये देखो जब डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमीज की हम बात करते हैं दोज इकोनॉमीज आर ऑलरेडी वेरी वेरी लार्ज ओके दे आर वेरी लार्ज इकोनॉमी सो वन इज द लार्ज वन द इकोनॉमी इज़ वेरी लार्ज देर इज़ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ फॉर द समझो ना आप जैसे नेस्ले करके कंपनी है ओके okay? नेस्ले सेरेलेक बनाती है बेबी फूड प्रोडक्ट एंड दे हैव क्लोज टू 85 फाइव टू नाइनटी परसेंट मार्केट शेयर इन द बेबी फूड प्रोडक्ट नाउ दे के नॉट से कि कल को हमारी ग्रोथ 40 50 परसेंट हो जाएगी बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल द ग्रोथ इज बींग कैब्ड टू नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कंट्री और इन द वर्ल्ड सो बेसिकली उनका जो ग्रोथ अब है नेस्ले का अनलेस अदरवाइज दे पिवट एंड उनका कोई दूसरा सुपर स्टार प्रोडक्ट आ जाता है पोर्टफोलियो में बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सेल्स इज ड्राइविंग थ्रू जस्ट वन प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबल नेस्ले की बात कर रहा हूँ स्विस कंपनी एंड नॉट द इंडियन नेस्ले कंपनी इंडिया में तो मैगी का भी एक सबस्टैंशियल शेयर है बट मैं ग्लोबल कंपनी की बात कर रहा हूं वहां पर मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू द सुपर स्टार प्रोडक्ट इज सेरेक नाउ द सेरेलेक प्रोडक्ट का ग्रोथ इज बीन कैप्ड विद द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकॉज बेबी फूड है यार बेबी खाएगा और कौन खाएगा उसको ठीक है तो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए सेरेलेक के प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ने के लिए पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा चाहिए सो डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है सो so, आइडियली यहां पर एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट आई एम डूइंग अ डूइंगटिव एनालिसिस प्लीज अंडरस्टैंड डोंट टेक दिस इन एब्सोल्यूट मैनो कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट डेवलप्ड मार्केट्स में डिविडेंड्स शुड बी हायर डिविडेंट ज्यादा होने चाहिए एंड री इन्वेस्टमेंट शुड बी लोअर ओके सिमिलरली बाय बैक भी बाय बैक भी वी आर नॉट कवरिंग बाय बैक ओवर हियर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय बैक इज ऑल्सो बेनिफिट यू आर पासिंग ऑन टू योर इक्विटी शेयर होल्डर सो डेवलप्ड मार्केट में बाय बैक भी ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया लाइक बांग्लादेश लाइक फिलिपींस लाइक वियतनाम ओके सो इन कंट्रीज के अंदर आइडली शुड बी लेस एंड री इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर एंड वाइज सो बिकॉज हमारे पास ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एज कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी प्लीज अंडरस्टैंड लेस देन टेन परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज कार आई बिलीव लेस देन सिक्स सेवन परसेंट ही है वो नाउ इफ यू कंपेयर दटोमोबिल इंडस्ट्री ऑफ यूएस एंड इंडिया यूएस में मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ द पीपल इज हैविंग कार विद इन फोर व्हीलर कार वेर इज द फिगर इन इंडिया इज लेस देन एट परसेंट सो ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किसके पास है इंडिया में राइट द ऑटोमोब इंडस्ट्री इन इंडिया विल फ्लरिश इट कैन ग्रो विद द रेंज ऑफ ट्वेंटी थर्टी फोर्टी परसेंट पर यूर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट वैन दैट बूम विल कम एंड इट विल डेफिनेटली कम राइट वेन सो द मोवमेंट आर आर स्टैंड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज ड्रास्टिकली द मूवेंट विल कम एंड इट विल बी द स्टीप कप डोंट वरी सो उस केस में टाटा मोटर जैसी जो कंपनी है उसको डिविडेंड कमती देना चाहिए सब्जेक्ट टू अगर प्रॉफिट है तो अभी तो टाटा मोटर्स प्रॉफिट नहीं दे रही है सो so, डिविडेंड कमती देना चाहिए एंड री इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर वाई बिकॉज दे नीड टू पुट द मनी इन द ग्रोथ बट वन केव ओवर हियर, दिस री इन्वेस्टमेंट शुड बी डन ओनली एंड ओनली वेन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन योर रिटर्न ऑन इक्विटी एल्स यू विल बी बर्निंग द मनी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इन योर बिजनेस आपको धंधा करना नहीं आता है जितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो आप उस पैसे पे उससे ज्यादा कॉस्टिंग लग रही है उस पैसे की ठीक है तो इट्स बेटर कि आप इक्विटी मालिक के हाथ में पैसा दे दो भैया पैसा ले जा घर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट नाउ वन क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड सो देन वाई इंडियन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंट ओके सो दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्डर टू मैनेज द माइंडसेट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स दे विल फील हैपी एट यू नो चेक आया अभी तो खेर चेक नहीं आता है नाउ द इस्ट बट यू नो वेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बैक इन टू 2008 सेवन टू थाउजेंड एट 16 आई वज सिक्सटी सेवेंटी इयर्स ओल्ड आई यू टू गेट चेक एंड आई फील्ड सो हैपी ओके ओ आई गॉट अ चेक फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज आई गॉट अ चेक फ्रॉम ब्रिटानियान आई गॉट अ चेक फ्रॉ दिस एंड नाट राइट सो इट इलेट यू फॉर फॉर अ वेरी यू नो टेम्पररी टाइमिंग बट देन आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग एंड दे शुड नॉट बी डूइंग इट ओके आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ तभी आएगी जब आप री इन्वेस्ट करोगे सो so, ग्रोथ जस्ट वन मिनट हायर द री इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू हायर द ग्रोथ ओके बट वेन सब्जेक्ट टू cost of capital is less than return on equity this is my caveat what does that mean it means that every money you put in the business will not generate the growth okay now so what will happen if i don't reinvest in the business should i not get the growth you will get the growth but that will be because of the reinvestment you have done earlier आप देखना आप अगर इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स एंड यू नो यू आर गुड विद स्क्रीनर एंड ऑल एंड प्लीज पुट मी इन कमेंट इफ यू वांट मी टू स्टार्ट सम वीडियोस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड ऑल दैट थिंग एंड आई विल स्टार्ट अ सीरीज सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली इन लास्ट टू थ्री ईयर्स Right, because currently they might not be showing the profit because our cash flows will be negative, because they capital expenditure in capital. but because of the current capex, they will boom in future. Unka capacity utilization will increase, their product will increase and whatnot. Right. So if I stop the reinvesting in my business right now. माई बिजनेस विल ग्रो बट इट विल नॉट ग्रो विथ इटर्निटी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मुझे सिर्फ मेंटेनेंस कैपेक्स लगाना पड़ेगा एंड ग्रोथ कैपेक्स मेरा खत्म हो चुका होगा सो so, कैपेक्स भी दो तरह के होते हैं एक मेंटेनेंस कैपेक्स होता है एक ग्रोथ कैपेक्स होता है अगर कंपनी ने डिसाइड कर ही लिया है कि नाउ वी डोंट वॉन्ट टू ग्रो एनी फर्दर एंड लेट लेट जस्ट नॉट पुट अ सिंगल रूपी मोर इन आर बिजनेस देन ऑल्सो दे नीड टू पुट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट ग्रोथ जो ग्रोथ है उसको तो मेंटेन करना है जो बिजनेस है उसको चलाना है वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी एंड वॉट नॉट ओके नाउ, आई होप दिस दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ वील मूव टू हाउ टू डू द फोरकास्टिंग ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देर आर थ्री वेज इन विच वी कैन डू फोरकास्टिंग ओके फर्स्ट टू वेज आर वेरी रफ वे थ्री वेज ऑफ फोरकास्टिंग Don't worry, and this won't be a uh, a theory lecture. But I just want you to understand the concept first before I even proceed with the Excel. You I won't uh, you know spare anything without Excel. Don't worry. So three ways of forecasting. Number one is, and first two are very very rough. Okay. So and I don't even suggest anyone. You usually see the financial modeling tha and put me in the comment. Those who have already done the financial modeling from. टॉप इंस्टीट्यूट एंड दे कुंड माई व्यू राइट सो इफ यू इफ यू डू द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट इज दे यूजअली टेल यू टू टेक द अर्थमैटिक मीन क्या आप एक काम करो जो पुराना सेल्स ग्रोथ है दस साल का उसका एक अर्थमेटिक मीन ले लो एवरेज ले लो ओके okay? सो so, एवरेज ले लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती प्लीज अंडरस्टैंड Just, just think upon it, right? What I'm trying to tell you, just try to imagine that in your mind, okay, and you will be able to understand. Say, for example, arithmetic mean the profit is going like this. Okay. The profit is going like this, but suddenly there is a jump in the profit, and you are taking the mean of this period. Now, because of this one jump, your mean will increase drastically. This is an outlier. ये एक बहुत बड़ा आउटलायर है आपके साथ आई होप ये समझ में आ रहा होगा तो ये क्या होता है रैशनल ग्रोथ नहीं देगा कभी भी आपको एंड वैसे भी हिस्टोरिकल ग्रोथ हमको पीछे हिस्ट्री देखते हुए नहीं आगे बढ़ना है मतलब वॉट हैपन इन पास्ट माइट नॉट हैपन इन फ्यूचर राइट सो वी वी शुड नॉट बी डूइंग दैट दैट इज नंबर वन वे ऑफ डूइंग राइट नाउ द नंबर अनादर वे इज सेकेंड इज दे विल टेल यू टू टेक जोमेट्रिक मीन ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिक मीन में क्या इश्यू आता है से फॉर एग्जाम्पल आप टू थाउजेंड इलेवन से टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक का आपके पास पूरा डेटा है सेल्स का एंड सेल्स का ग्रोथ है ओके से फॉर एग्जाम्पल यहां पर द सेल्स फिगर वॉज हंड्रेड रुपीज Okay, I'm just taking an example. You can accept it. Assume it as hundred crores. Okay, don't worry. So hundred tha, and here it was say for example fifteen hundred. Now the geometric mean will what, what it will and the, the time period is say for example ten years. This Ye is saal ka duration. Ten mein the starting of the tenth year, starting of the year one, we have hundred rupees, and the start and the end of the year tenth we have fifteen hundred rupees. जोमेट्रिक मीन कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट करता है इट इट बी समिंग लाइक दिस ओके ना प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द फॉर्मुला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अब प्लीज आप ये ध्यान से सुनिए ज्योमेट्रिक मीन में क्या प्रॉब्लम आता है इसने यहां पर तो मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं था कंपाउंडिंग इफेक्ट भी नहीं लिया था राइट सर अर्थोमेटिक मीन वोन्ट टेक द कंपाउंडिंग इफेक्ट दैट कुड बी वन ऑफ दू नो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन योर केस

ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो बाकी के बचे हुए आठ साल हैं यहां पर देर कूड बी प्रोबेबिलिटी दैट योर सेल्स विल भी हाईली हाईली फ्लक्चुएटिंग यानी मैं क्या बोल रहा हूं आपको आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यह हंड्रेड रुपीज से फिफ्टीन हंड्रेड तक जो पहुंचा है ये ऐसे ऐसे करके नहीं पहुंचा होगा ना ओवर अ फिफ्टीन ईयर ऑफ टाइम इट कुड बी लाइक दिस राइट right? तो ये जो रिस्क है ना बीच में इट फेल टू कंसिडर दीज रिस्क दीज आउटलायर्स एंड से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एवरेज लाइन उसने जोमेट्रिक मीन ने ये रिस्क को कंसिडर नहीं करा आउटलायर को कंसिडर नहीं करा ओके नाउ कम्स टू द बेस्ट सोल्यूशन एंड आई एम प्रिटी श्योर यू मस्ट ऑल मस्ट अवेयर अबाउट इट नंबर थ्री इज वील डू लीनियर रेग्रेशन आई एम प्रिटी श्योर आप सब लोगों को पता होगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या है जिनको नहीं पता है मैं बहुत आसानी से समझाता हूं सो प्लीज डोंट फील इरिटेटेड बिकॉज आपका भी नंबर आएगा बॉस की कभी कोई चीज आपको पता नहीं होगी एंड अदर्स विल फील इरिटेटेड ओके सो प्लीज अंडरस्टैंड लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है ना एंड बहुत बहुत ईजी कंसेप्ट है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो दिस इज वाई दिस इज एक्स ओके नाउ एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स वेरिएबल्स मीन्स इट टेन टू चेंज

सो एंड इट वॉन्ट बी द अदर वे राउंड अदर वे राउंड मतलब ऐसा नहीं होगा कि जहां पर पंद्रह डिग्री हुआ वहां पर जनवरी होगा या जहां पर दस डिग्री हुआ वहां पर डिसंबर होगा नहीं सो माई टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन वॉट डिपेंडेंट ऑन द मंथ ओके आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी सो इनवरी विल बी वाई एंड सॉरी जनवरी विल बी एक्स माई मंथ विल भी एक्स विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड माई टेम्परेचर विल भी वाई विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल नाव वॉट आई एल बी डूइंग इस से फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल एंड दिसंबर मैंने एक्स एक्सेस के ऊपर सारे मंथ प्लॉट करें एंड मैंने टेन फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये सब प्लॉट करें ओके ना डेफिनेटली एक कॉमन पॉइंट आएगा कॉमन पॉइंट कैसे जैसे आप देखोगे जनवरी में फिफ्टीन है तो जनवरी में इट विल बी फिफ्टीन समवेयर ओवर हियर राइट फेबररी में इट इज सिक्सटीन सो फेबर में इट विल बी समवेयर ओवर हियर देन मार्च में इट इज ट्वेंटी थ्री सो ट्वेंटी थ्री विल बी समवेयर ओवर हियर अप्रैल में इट्स थर्टी सो थर्टी विल बी समवेयर ओवर हियर ऐसे करते करते अलग 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 पैरामीटर्स आपके बन जाएंगे सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्लॉट्स लाइक दिस एंड पर आप डेली भी तो ले सकते हो डे भी ले सकते हो फर्स्ट ऑफ जनवरी सेकेंड ऑफ जनवरी थर्ड ऑफ जनवरी राइट तो बहुत सारे प्लॉट बन जाएंगे ये डेटा बन गया इसको बोला जाता है स्कैटर्ड प्लॉट ओके नाउ मैं रिग्रेशन रन करूंगा अब प्लीज समझना डोंट गेट कंफ्यूज स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी रिग्रेशन रन करने का क्या मतलब होता है रिग्रेशन लर्न करने का रन करने का मतलब ये होता है ये वाई जो है ना वाई का एक्सेस इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जहां से इफ आई क्रिएट अ लाइन राइट विच इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन और स्लोप राइट और ट्रेंड लाइन सच दैट सच दैट सारे पॉइंट से जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट से उस लाइन का जो डिस्टेंस हो उसका जो स्क्वायर होता है वो सबसे कम हो मतलब इस रिग्रेशन पे अब इस प्लॉट पे ऐसी कोई दूसरी लाइन नहीं बन सकती जिनके सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस का स्क्वायर सबसे कम हो आई होप ये टेक्निकल है डोंट वरी इतना मत समझो मतलब इफ यू आर इन टू सी ए सी एफ ए सी एफ एवल टू ये आपके क्वांट्स में होगा इफ यू आर इनटू एफ आर एम लेवल वन ये आपके एफ आर एम लेवल वन में आ गया होगा एंड इट इज वेरी इजी इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइक सो इट इज कॉल्ड एज स्क्वेड लीस्ट मेथड एस एल एम दिस इज द वे वी रिग्रेस एट दैट इनका जो स्क्वायर है इस डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो सबसे कम है मतलब मैं अगर कोई दूसरी लाइन यहां बना दूंगा तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा सो आई वांट द शॉर्टेस्ट लाइन ओवर हियर ओके एंड इन रियलिटी द ग्राफ डज नॉट लुक लाइक दिस आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा एंड अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड ये रिग्रेशन मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा हम समझेंगे डिटेल में कि रिग्रेशन के थ्रू हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं और हम किन किन चीजों की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि क्या मैं फोरकास्टिंग को भी ऑटोमेट कर सकता हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डों वर्क ओके अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो और आपने बहुत अच्छे से देखा है तो प्लीज आप दो चीजें करो सबसे पहले वीडियो को जाके लाइक करो एंड लीव योर फीडबैक इन कमेंट राइट नाउ बिफोर वी मूव फॉर एक्सेल ओके चलो बाय बाय सॉरी नॉट नॉट बाय बाय वील मूव टू एक्सेल चलो yeah. हाँ जी करा कि नहीं करा वीडियो को लाइक नहीं करा ना जाके पहले करके आओ और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो फटाफट ठीक है और कमेंट्स भी डालो नहीं नहीं मजा करो कर देना अगर पसंद आए तो करो नहीं तो ऐसा इट्स नॉट समथिंग विच इज डज नॉट मैटर एक्चुअली दैट्स नॉट द आइडिया कि आप लाइक ऑल दैट शेड ओके चलो सो so, <coughs> सबसे आसान तरीका बताता हूँ ठीक है सबसे पहले अपन क्या करते हैं सबसे पहले अपन जाके स्क्रीनर ओपन करेंगे मतलब ये ऐसी चीज़ है जो बेस्ट है मेरे को बहुत पसंद आती है स्क्रीनर खुल जा सिम सिम खुल गया अरे कहाँ गया ये रहा ओके okay, चलो अब स्क्रीनर में सबसे पहले हम क्या करते हैं हम दो कंपनीज के ऊपर मैं पहले आपको एम एम के बीच कितना खतरनाक होता है अर्थोमेटिक मीन और जोमेट्रिक मीन वो समझाता हूँ ठीक है आराम से करना ना एक घंटे से ऊपर का वीडियो जाने वाला है तो टाइम हो तो देखो नहीं तो मत देखो जबरदस्ती तो करी नहीं किसी के साथ अपन ने आज तक ओके ना अरे बाप रे बाप कौन सी कौन सा ओके फाइन सो वट वी डू इज मेरे पास सेल्स है ये तो क्वार्टरली सेल्स है छोड़ दो मेरे पास मार्च से लेकर के मार्च इलेवन से लेकर के मार्च ट्वेंटी टू तक की सेल्स है तो वट आई डू एज आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम हेयर टू हेयर ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड आई गो टू एक्सेल एंड आई ट्राई टू ओपन द फ्रेश एक्सेल राइट नाउ ठीक है अपना रूटीन काम करना भूलना नहीं है वन फाइव जिनको ये नहीं पता है उसके लिए नहीं पता है क्योंकि पुराने वीडियोस देखने हैं आप लोगों ने एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी एंड मैं टेक्स्ट पे जाके टी प्रेस करके इंटर कर दूँगा सो इट गेट पेस्टेड ओके ना वट आई वॉन्ट इज मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं वन लिखता हूँ एंड यहाँ पर आई वॉन्ट टू थाउजेंड इलेवन एंड मैं इनमें प्लस वन करता हूँ

वट आई डू इज आई कॉपी दिस आई वि कम ओवर योर कंट्रोल ऑल्ट वी मैं करूँगा मैं वी से वैल्यू पे जाऊँगा मैं वी से वैल्यू पे जाऊँगा कंट्रोल ऑल्ट वी इज फॉर पेस्ट स्पेशल वी फॉर वैल्यू एंड मैं ई दबा के ट्रांसपोज पे जाऊँगा बिकॉज आई वॉन्ट द हॉरिजोंटल डेटा टू बी पेस्टेड इन टू वर्टिकल डेटा एंड आई डू दिस ओके दैट इज बीन डन नाउ आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल कंट्रोल ऑल्ट वी इन पे इज द फॉर्मैट ओनली द फॉर्मैट इज विद टी I'll do it. Now, certainly, this is not something, this is not something which I require because when I hard code the data. Okay. Now, since I have hard coded the data, I'll go and I'll do miravala color. This one. This is the hard-coded data, and we'll do some formatting. This is we'll do ear weight. Okay. And this will be our ear. and this will be our sales <coughs> H H I'll pick this Alt H F C and I'll do this Control Alt V and what I'll do is perfect okay मैंने उसको auto fit कर दिया auto fit कैसे करा वापस बता देता हूँ एक बार मैंने कुछ भी नहीं करा मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे कॉलम को एंड ऑल्ट एच ओ एंड आई ऑल्ट एच ऑल्ट एच ओ आई तो ये ऑटो फॉर्मेट ऑटो फिट हो गया ठीक है अब हमने पहले डिसाइड किया था कि जो फर्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में होता है और बाकी सबका राइट right में होता है तो आई डू अलाइनमेंट ओवर हियर एंड आई गो एंड आई डू अलाइनमेंट ओवर राइट राइट अलाइनमेंट कर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको प्रॉपर विजिबिलिटी आएगी चलिए नाउ, आई हैव द सेल्स विथ मी ओके मेरे पास सेल्स है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर एंड व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू आइडेंटिफाई द ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कि मेरा ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है तो फर्स्ट ईयर का तो मेरे पास आएगा नहीं सेकेंड ईयर में दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस वन एंड वील विल कन्वर्ट इट इन परसेंटेज टू डिजिट्स कॉपी द कॉपी ओवर हियर कम डाउन कम अप एंड पेस्ट तो आप देख रहे हो कि इसमें इट इज नॉट अ लीनियर सेल ठीक है कभी थर्टी फाइव परसेंट इंक्रीज हुआ है विच इज द हाइएस्ट इंक्रीज फ्रॉम टू थाउजेंड इलेवन टू टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड देन उसके बाद एक नेगेटिव टेरिटरी भी इसने देखी है विच इज बिकॉज ऑफ द कोविड -13। बट शुड आई अवॉइड इट आई डोंट थिंक सो बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सिनेरियो इन विच हाउ बिजनेस विल रिएक्ट वो कंसिडर होता है कि कोविड के टाइम पर बिजनेस ने कैसे रिएक्शन दिया था सो दिस इज माय अर्थमेटिक दिस इज माई सेल्स ग्रोथ ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ओके क्या हो रहा है आज आई एम लैकिंग मोटिवेशन आई सीम्स अर्थमैटिक ग्रोथ के एनहियर आई विल डू जोमेट्रिक ग्रोथ परफेक्ट ना अर्थमेटिक ग्रोथ इज वेरी सिम्पल मैं करूँगा मीन आई सॉरी नॉट मीन एवरेज दो फंक्शन कॉल इज मीनो व्य एंड आई जस्ट डू इट तो आपको दिख रहा होगा एट का थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ सो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू वॉच ओके एट का अर्थमेटिक ग्रोथ है अर्थमेटिक मीन है फॉर द ग्रोथ ऐसा समझो आप ठीक है एंड जोमेट्रिक ग्रोथ कंपनी ने कितना किया है तो जोमेट्रिक ग्रोथ के लिए व्हाट आई कैन डू इज इधर यू कैन डू दैट फॉर्मूला जैसा हमने देखा था थ्योरी में कि लाइक दिस वी कैन डू दैट फार्मूला or if you don't want to apply that formula, which formula i'm talking about, see this, i'll show you. so the formula would be my present, my future value, the latest year, divided by my first year, which is over there, raised to the power 1 by 12, 1 by 12 minus 1. यू कैन सी कि जो मेरा जोमेट्रिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन मेरा सेवन परसेंट आया है सॉरी okay. वो जोमेट्रिक मीन मेरा सेवन पॉइंट वन वन परसेंट आया है बट ये देखो कितना गलत तरीका है फॉर्मूला निकालने लो समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा है वेन यू विल डूंग दफ दमुला ऑफ द मॉडल यू वोट बी एबल टू गेट एनीथिंग ओवर सो वील यूज आर आर आई का सी एजीआर का सिंपल फॉर्मूला होता है आर आर आई इक्वल टू आर आर आई अप लगाओ <coughs> इन पी आर एज योर टोटल पीरियड नेट पीरियड सो माई नेट पीरियड इज नथिंग आई वॉन्ट हार्ड कोड इट इज लाइक ट्वेल्व आई वॉन्ट डू इट राइट यहां पर जब मेरे पास लिखा हुआ है तो वाई विल डू दैट ना प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है दै फ्रॉम वेयर द वैल्यू रियली स्टार्टेड सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम द वेयर वैल्यू इज स्टार्टड एंड वॉट इज द फ्यूचर वैल्यू सो फ्यूचर वैल्यू विल बी दिस सो वॉट आई वॉन्ट कि हे फॉर्मुला प्लीज ट्राई टू कैल्कुलेट If I grow from this number to this number in 12 years, what will be my compounded annual growth rate? So you can see that if I just do the formatting over here, it is exact same. So I will not go with this and I will delete the formula. Okay. Now, what I want more is I want to calculate the standard deviation of this growth rate and I will tell you why I am calculating it. स्टैंडर्ड डेवियशन के लिए द फॉर्मूला इज एस टी डी ई वी बट वील नॉट गो विथ पी राधा वील गो विथ एस सैम्पल के फॉर्मुले पे जाएंगे बिकॉज पी के फार्मूले पर हम जाते हैं वेन वी हैव द लार्ज वेरिएबल विद थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड लाइन आइटम्स हैो ओवर एंड वील जस्ट टिकट मील जस्ट चेक वॉट्सन सी दैट द स्टैंड इज 13.44% and this is for tata motors okay. okay this is for tata motors now what i'll do is i'll show you something very interesting okay one is for tata motors and i'll just copy this sheet okay i'll do the create copy and I will go with Adani Enterprises. अब मुझे Adani Enterprises का data चाहिए और अब मैं मुझे इतना मेहनत लगेगा नहीं honestly. Okay. बहुत शोर मचा हुआ वैसे Adani Enterprises पे Let's see. Okay. Now we'll go with Adani Enterprises. What we'll do is मैं मार्च से लेकर के ये वाला पूरा का पूरा सेल्स ले लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ सॉरी लास्ट तक कॉपी कर लेता हूँ आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल पेस्ट इट एज अ टेक्स्ट मैंने वही सेम प्रोसीजर रन कराए एंड मैं इसको टेक्स्ट जैसा पेस्ट करता हूँ और ये लास्ट वाला जो था दिस इज टी टी एम ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ्स आई डोंट वॉन्ट इट एंड वट आई वॉन्ट इज मैंने इसको कॉपी किया आई केम ओवर हियर कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यू एंड ई फॉर सॉरी नॉट वैल्यू एंड ई फॉर ट्रांसपोर्ट सो यू कैन सी दैट अडानी इंटरप्राइजेस का मेरा पूरा का पूरा सेल्स ग्रोथ आ गया है ज्योमेट्रिक मीन और ऑथोमेटिक मीन मैंने अडानी इंटरप्राइजेस के लिए भी कैलकुलेट कर लिया इट इज नॉट दैट डिफिकल्टू कैन ऑल्सो डू इट एट योर ओन इज बट क्या आप एक कंपेरिटिविस कर पा रहे हो इटमीज जस्ट paste this particular data side by side so that you know you can do that comparative analysis and yes see this the difference between arithmetic mean and geometric mean is not much over here it is hardly like 1. 1.6 1. 1.4 percent difference in arithmetic mean and geometric mean whereas over here the difference is more than difference difference is more than 6 सिक्स परसेंट छह परसेंट का डिफरेंस है अर्थोमेटिक मीन और जोमेट्रिक मीन में ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन है स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे के मैंने आपको बोला था ना कि जोमेट्रिक मीन जो होता है वो बीच के स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसिडर नहीं करता है सी दिस उसने क्या देखा उसने ये देखा कि ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड से सिक्सटी नाइन थाउजेंड तक ट्वेल्व इस में आया बट वो ये देखना भूल गया कि बीच में एक बार सिक्सटी फोर थाउजेंड से थर्टी फोर थाउजेंड भी चला गया था सेल्स ओके okay? उसके बाद एक बार 2021 में भी ड्रॉप हो गया था सेल्स दिस दे हैव कंप्लीटली मिस्ड इट ओके नाउ एंड अर्थमेटिक मीन के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ मीन मीन के साथ प्रॉब्लम अच्छा का स्पेलिंग गलत है डज नॉट मैटर इट्स नॉट इंग्लिश क्लास ओके सो अर्थमेटिक मीन के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ बताओ उसने यहां से इसको, इसको स्क्यू कर दिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आउटलायर दैट सडनली इट वेंट सडनलीवेंटी फाइव परसेंट गॉड नोज वाई

वॉट आई विज आई विप यहां तक सबको समझ में आया होगा मतलब देर इज नो डाउट कि कुछ ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि समझ में ना आए ओके वॉट एल डू इज आई जस्ट डिलीट दिस थिंग सो आई हैव दिस पर्टिकुलर डेटा इन फ्रंट ऑफ मी आइडली आई डोंट इवन नीड द ग्रोथ फिगर्स नाउ ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वट एल डू इज मैं यहां पर कॉपी करता हूँ ओके एंड आई विल डू वन थिंग सो दैट इट विल बी वेरी इजी मैंने जो एक्चुअल के मेरे नंबर्स हैं उनको मैं कंट्रोल वन करता हूँ आई गो इन दैम कस्टम एंड ओवर ह्योर डबल कोट ए सो दैट बी एक्चुअल एंड आई गो ओ ओवर ह्योर कस्टम्स कस्टम डबल कोट ई तो मुझे क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो रहा है दैट वॉट ऑल आर माई सैंपल वर माई देयर मस्ट बी वन क्वेश्चन इन योर माइंड दैट हमने वेट क्यों लिया है वेट इसलिए लिया है बिकॉज आई वॉन्ट कि जो मेरा हिस्टोरिकल मेरा जो ग्रोथ निकले वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो और उसमें जो ज्यादा बायसनेस हो वो रिसेंट सेल्स ग्रोथ का हो ना कि पुराने सेल्स ग्रोथ का तो जो 2011 में मैंने सेल करा था उसको मैंने सिर्फ वन का वेट दिया है 2012 को 2 का वेट दिया है ऐसे करते करते जो 2022 में मैंने सेल करा है उसको मैंने 12 का वेट दिया है सो आई वांट कि मेरा जो ग्रोथ हो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग हो ना कि क्यों कोई हिस्टोरिकल मीन या ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे मेरा ग्रोथ रेट निकले ओके okay? सो so, मैंने ये करके अभी तक रखा है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट सेशन फर्स्ट सेशन में ऑफ मतलब फर्स्ट में सेकेंड सेशन ऑफ द फाइनेंशियल मॉडलिंग आई हैव टोल्ड यू आई हैव एक्सप्लेन यू द सेटअप ऑफ द एक्सेल वहाँ पर हमने ये चीज देखी थी आई नो मैनी ऑफ यू मस्ट नॉट हैव हैॉच डेट तो हम सॉरी हम फाइल में गया मोर में गया ऑप्शन में गए ऑप्शन में, में जाके विल गो टू द एड इन ओके एड इन में यू विल गो ओवर हियर मैनेज एंड यू नीड टू श्योर दैट इज जो एनालिसिस टूल पैक पैके टिक होना चाहिए वंस यू सी दैट इट इज एंड यू डिड ओके एंड यू कम टू द डेटा यू विल सी एनालिसिस डेटा एनालिसिस का यहाँ पर एक वो आ जाएगा नाउ वॉट आई डू इज आई जस्ट डू द डेटा एनालिसिस ओवर हियर आई कम डाउन एंड एल पिक रिग्रेशन फ्रॉम हियर मैंने बताया था दैट वी विल यूज द डेटा एनालिसिस टूल पैक इन आर फ्यूचर सेशन ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वॉट इज माई वेरिएबल वाई माई वेरिएबल वाई इज वेट Or year, same thing, one in the same thing, right? Year or weight, same thing. Year is increasing, weight is increasing. The weight is not dependent on the year, uh, on the sales, rather the sales is dependent on the year. So my y is sales because it is the dependent variable. It is dependent on what? Sorry. I will just reframe. Just a minute. Yeah. So my y variable, which is my dependent variable, it's nothing but it's my sales because the sales is dependent on the year or year weights.

You can see that many D two cell here. So I have also included the label over here, sales' ka label or year' ka label. So I will just click the label. Okay, I won't make any changes over here. I'll just go in the output range, and I will do it somewhere over here. So I want the regression' ka output यहाँ i I'll press OK. Now, once you press OK, you will see that it will take some time, and it will show you some some weird statistical टेबल लाइक दिस ऐसा कुछ बहुत गंदा सा एक स्टैटिस्टिकल टेबल बना देगा जिन लोगों ने एफ आर एम लेवल टू पढ़ाएम लेवल वन है जिन लोगों ने सी एफ एवल टू है क्वांट्स में दे मस्ट है्योर अनोवर टेबल बट अनोवा टेबल इज दिस वन ओनली ओके नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑल दैट थिंग नाउ वॉट आई वॉन्ट टू चेक इज फर्स्ट इज द आर स्क्वायर इज नथिंग बट इट सिग्निफाइज द स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ ऑफ माई रिग्रेशन ideally if r square is more than 0.4 then i feel that the regression is good enough if aise ab agar practice mein jaoge to wahan par to 0.1 ka bhi le lete hain ki 0.1 se zyada hai to but don't want to do that and standard error is higher because it is in terms of sales तो अगर आप उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी वेरी मिनिमल एक्चुअली तो 2 लाख आप एवरेज देखो ना एवरेज सेल्स कितना है So my average sales is somewhere around टू लाख And on 2,41,000, I have the standard error of 35,720 only. The standard error is also very, very less. Okay. And observation is 12. Now, what I'm interested in, I'm interested in intercept, which is this, and year weight, which is 11923. 1, 1, okay. I will do one more thing for you. What I'll do is, I'll select these two. I'll go in insert. इंसर्ट में जाके आप ये देखोगे चार्ट्स जहां लिखा है उसके ऊपर है इंसर्ट स्कैटर्ड चार्ट और बबल चार्ट एंड आई डू अ चार्ट ओवर हियर व्हाट आई डू इज आई जस्ट वील शिफ्ट द चार्ट बाद में सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट डू सेल्स रेग्रेशन सेल्स growth not growth actually sales regression so absolute regression of the sales now once you do this if you go over here and you can see that you can add the trend line right so you can add the trend line and if you go and you go in the more option of the trend line you okay, can come down you can change the color of the trend line also to black or let it be more visible with black. And I don't want the dotted line, I want S line. Takyo properly Okay. Now please understand this. If I go over here and I come down, I want the rounded corners. No, I don't want it. I'll just don't want it. Okay, perfect. Perfect. Okay. Now please understand and where it is. तो ये बहुत परेशान करता है कभी कभी या ओके चल परफेक्ट नाउ सिंस वी हैव दिस सो दिस इज द एग्जैक्ट एग्रेशन विच वी हैव रन नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट डज द इंटरसेप्ट मीन्स एंड व्हाट डज दैट सॉरी सो व्हाट डज द इंटरसेप्ट मीन्स एंड व्हाट डज दैट वेरिएबल मीन्स प्लीज अंडरस्टैंड जो इंटरसेप्ट है ना वो इंटरसेप्ट ये है कि ये लाइन अगर आप और थोड़ा टान देते हैं यहां पर तक तो जहां पर ये लाइन इस वाई एक्सिस से टच कर रही है दैट इंटरसेप्ट इज वन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्स रुपीज तो ये तो कांस्टेंट है मतलब इसका सेल फ्यूचर में वन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज से नीचे तो गिर ही नहीं सकता नो मैटर वॉट आप देख लो लास्ट सेल वन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड से नीचे था फर्स्ट वाला सेल उसके बाद कभी भी नहीं उससे नीचे गिरा है ओके एंड इट इज सेइंग दैट एवरी ईयर ऑफ द वेट फॉर पर वेट इंक्रीज द सेल इंक्रीज विल बी वन वन नाइन टू थ्री ओके सो द कोफिशंट इज पॉजिटिव नो वट एल डू इज आई जस्ट पार्क इट ओवर दिस इज नॉट समथिंग विच आई रियली वॉन्ट सो आई जस्ट पार्क इट ओवर मैं इसको थोड़ा छोटू कर देता हूं शूषा करने के लिए यूज कर लेना बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट ना प्लीज अंडरस्टैंड अब मैं फोरकास्टिंग कैसे निकालूंगा मेरी आगे की मान लो मुझे पांच साल की फोरकास्टिंग करनी है डू इट सो दिस इज ईयर फोरकास्टिंग ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड आई डू इक्वल टू आई डू इक्वल टू एंड वट आई डू इज आई टेक द इंटरसेप्ट आई डू द एब्सोल्यूट रिप एंकरिंग ओवर हियर भैया इंटरसेप्ट फिक्स रहेगा प्लस आई विल मल्टीप्लाई द वेट विथ वेट में आई डोंट डू एनी ऑफ एंकरिंग विथ द ईयर वेट का एंड इन ईयर वेट के में आल्सो आई विल डू एब्सोल्यूट एंकरिंग वंस दैट इज बीन डन एंड आई प्रेस ओके व्हाट डज दैट सिग्निफाई केट डज दैट सिग्निफाई इट सिग्निफाइज इट मी जस्ट डू द फॉर्मैटिंग वेरी क्विकली So, this is not okay. I'll just do it. We'll change the color. Don't worry. And we'll go over here and we'll change the color to black. Okay. Signifies that next year, if everything goes well, the sales will be 319012. And I'll just drag it down like this. I'll just drag it down like this. Are you getting my point? क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है उसने नेक्स्ट ईयर में फोर्टीन परसेंट का सेल दिया और उसके बाद सेल थ्री परसेंट का दे रहा है ओके okay? इससे मुझे मतलब एक एवरेज थ्री परसेंट का ग्रोथ आ रहा है वाई बिकॉज इट इज कंसिडरिंग कि ये लीनियर ग्रोथ नहीं है अगर आप टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी डी मार्ट जैसी कंपनी जहां पर कभी भी उन्होंने इवन द डिप इन द सेल इज़ नॉट देयर इवन ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो दे ओके तो ये क्या बोल रहा है कि बॉस डोंट कंटिन्यू विद दिस फोर्टीन परसेंट का प्रोजेक्शन आप समझना प्रॉब्लम क्या होगी अगर कोई बंदा अर्थमेटिक मीन लेता है तो इसका अर्थमेटिक मीन इज 8.53 वो क्या करेगा यहां से यहां तक 8.53 से टान देगा उसको ठीक है कोई जोमेट्रिक मीन लेता है तो वी हैव सीन जोमेट्रिक मीन इज ऑल्सो अराउंड सेवन सेवन पॉइंट फाइव वो यहां से लेकर के यहां तक प्लेन फ्लैट जोमेट्रिक मीन ताने का हमको ऐसा नहीं करना है विल स्टिक विद दिस एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस और हाउ टू डिक्रीज दिस ग्रेजुअली बट क्या होगा इफ वी डू दिस हमारी फोरकास्टिंग में एरर की प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ओके okay? एक चीज और समझिए आप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप यहां पर एस्टिमेशन कर रहे हो यू आर अ एस्ट्रोलॉजिस्ट ओवर हियर प्रोफेसर दामोदरन विच इज अ हु इज़ अ पायनियर इन वैल्यूएशन उनसे भी गलतियां होती हैं मुझसे भी गलतियां होती किसी से भी हो सकती है सो वेन एवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एस्टिमेशन द मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन तो नो बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग जो पूरे मॉडल को पूरे वैल्यूएशन को बहुत सब्जेक्टिव बना देता है कि आप ग्रोथ रेट क्या कंसिडर कर रहे हो एंड हमने इसको बहुत ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करी है यूजिंग सॉरी यूजिंग आर क्वांटिटेटिव Rate or a rate, you can call it. Now, अब मैं क्या करता हूं ना मैं आपको एक जादू दिखाता हूं ठीक है ये सब ठीक तो है आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग एल्स तो मैं इसको नीचे वैल्यू में पेस्ट कर देता हूं सॉरी मैं इसको डू इज आई जस्ट पेस्ट इट लाइक दिस एंड यहां पर मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं ओके एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस और आई वुड जस्ट ओके परफेक्ट तो मैंने सभी की वैल्यू ले लिया है यहां पर एज इट इज मैंने पेस्ट कर दिया कंपेरिटिव एनालिसिस करने के लिए और मैंने इसको डिलीट कर दिया अब ये इतना शूशा करने की भी जरूरत नहीं भाई ऑनेस्टली तो सही बताता हूं तो, ठीक है करना है कर दो रिपोर्ट रिपोर्ट बनाएंगे आगे फ्यूचर में तो वील यूज दिस कि हमने ये सब एनालिसिस एनालिसिस करा है एंड ये रिग्रेशन एनालिसिस एंड ये सब करा है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड वट आई विल डू इज आई पुट इक्वल टू एंड आई विल यूज द फोरकास्ट दैट्स इट दैट सेट नीड टू डू एनी थिंग द एक्सिल विल डू इट फॉर यू फॉरकास्ट में आप देख रहे हो बहुत सारे फॉरकास्ट फॉर्मूलाज हैं जहाँ पर सीजनैलिटी फैक्टर आता है जैसे साइक्लिकल कंपनीज़ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर मॉन्टे कार्लो है इंडिया में या बासमती राइस कंपनीज़ है या फिर ऑयल कंपनीज़ है जहाँ पर स्टील कंपनीज़ है रबर रिलेटेड टायर कंपनीज़ हैं वहाँ साइक्लिकल कंपनीज़ होती है साइकिल तो वहां पर हम सीजनैलिटी लैक को इनपुट करेंगे मैं उतना में नहीं जा रहा वो क्या बोल रहा है अब नॉर्मल फोरकास्ट फंक्शन में बोल रहा है सर एक्स डालो एक्स क्या है मेरा एक्स मेरा ये है थर्टीन ठीक है वो बोल रहा है नोन वाई डालो मतलब नोन डिपेंडेंट वेरिएबल डालो जो आपको पता है कि ये नॉन है आपको डिपेंड करते हैं किस पे वेट पे तो माय नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी दिस एंड आई विल डू एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग सेइंग नोन एक्सेस डालो नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डालो तो आई डू इसको नीचे तक टाँद दूंगा what's happening b16 b16 something is wrong i guess ah got it what wrong we had done is we had not done the absolute referencing for this particular thing now it is absolutely referenced and you can see in each pura. मैं इसको भी कॉपी करूंगा आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है बोध आर एब्सोल्यूटली सेम थ्री सिक्स सिक्स सेवन जीरो सिक्स थ्री सिक्स सिक्स सेवन जीरो सिक्स थ्री उसने लीनियर रिग्रेशन ही रन किया है जो फोरकास्ट का फंक्शन है ना उसने लीनियर रिग्रेशन रन करके फोरकास्ट निकाल के दिया आपको इतनी सी बात अगर कोई बंदा आपसे चालीस हज़ार रुपये ले रहा है फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाने के लिए देखो जो पंद्रह सौ दो हजार में बेच रहे हो तो कभी जीवन में नहीं सिखा पाएंगे उन्होंने कभी फाइनेंशियल मॉडल जीवन में बनाया नहीं है ठीक है तो उनसे तो यहाँ जो दो दिन का वर्कशॉप चला रहे हैं पांच दिन आपको जीरो टू हीरो बना रहे हैं वो आप हीरो बन जाओगे उसमें लिटरली ठीक है दे बी एबल टू गिव यू एनी थिंग बट वो इतना साफ छोटा सा फंक्शन नहीं बता पाते हैं आपको कि ये होता है ये कर लो आप शायद बता दें देख के इट्स ओके डोंट डोंट हैव एनी ओके नॉट इवन क्लोज टू द फाइन सो एंड वॉन्ट इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल बिकॉज आई एम गिविंग इट फ्री एंड देर चार्जिंग इट उनका ब्रेड एंड बटर इट्स फाइन करने तो जो करना है ओके okay. नौ अब क्या मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ मैं बिल्कुल ऑटोमेट कर सकता हूँ आई कैन डू दैट ओके आई कैन डू दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन वॉट आई वॉन्ट वॉट आई डू is, आपने ये शीट पूरी देखी है पूरी समझी है कि आपको ये शीट चाहिए आई एम ब्रिटीशर नालाय को चाहिए ही होगी तो मैं दे दूंगा ये वाली शीट भी ठीक है और आपको अगर अडानी का भी करके देखना तो आप अडानी का भी सेम टू सेम ऐसा करके देख सकते हो कर ही देते हैं फिर मच मच का मचा कोई मतलब नहीं जस्ट डू इट फटाफट डॉन्ट वरी अरे एक मिनट लगता है ना कितना टाइम लगेगा फोरकास्टिंग करने में वाइज वाइज वाइस बाइस वाइस बाइस ओके एक्स एक्स आ गई कम सेल आनी भी चाहिए ना क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना कंपनी में बढ़ रही है धीरे 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 बढ़ रही है बट एकदम से नहीं बढ़ रही है देख लो आप रियल लाइफ कंसीडर कराया उसने अडानी ग्रुप एनीवेज ठीक है इट्स फाइन बट एटलीस्ट यू आर नॉट स्टॉपिंग कि क्या होता है ना स्टूडेंट ब्लैंक हो जाता है गिर फोरकास्टिंग अब मैं कैसे करूँ तुम्हारे पास अब कुछ तो मेजर है ना लिख देना उसमें कि हमने लीनियर रिक्वेशन के थ्रू फोरकास्टिंग निकाली है ना आई होप ये समझ में आया हो होगा यहां तक अब हम इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऑटोमेट करके ही मुझे आगे बढ़ना है मैं डोंकी लेबर नहीं कर सकता ये मेरा टाटा मोटर्स ये कॉमन साइज स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा डोंट वरी एंड बहुत जर, अगला वीडियो पक्का मैं अब बहुत जल्दी आएगा डोंट वरी ठीक है बहुत ंग वेल well, यार प्रॉब्लम हो गई थी सो so, ये सब आपने देखा होगा ये मेरा कंटिन्यू था यह सब देख लेना सो वॉट विल डू एस विल ट्राई टू क्रिएट फोरकास्टिंग अब आप समझना मुझे आपसे काम करवाना है आई वोट डू इट आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू इट एंड आई विल नॉट डू इट आई वोट डू इट वट आई वॉन्ट यू टू डू इस मैं टाइम बींग <coughs> इसको यहां तक टांगता हूं एंड मैं इसको कॉपी करता हूं एंड मैं यहां पर इसको पेस्ट करता हूं यहां नहीं पेस्ट करेंगे नीचे पेस्ट करेंगे okay, मैं इसको यहां पेस्ट करता हूं और नीचे पेस्ट करेंगे रीजन बताता हूं क्यों एंड वी विल आल्सो गो ओवर हियर and we'll copy this and we'll copy it over here. Now, please understand equal to equal to I'll go with the data sheet. Tata motor can name equal to and double quote एंड डबल कोट स्पेस एंड डबल कोट स्पेस हाइफिन स्पेस डबल कोट क्लोज एंड एंड आई विल पिक दिस दिस पर्टिकुलर थिंग सी दिस वॉट हैपन आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा मैंने क्या करा है ठीक है मेरे को मैनुअल काम करने का ही नहीं है मेरे मॉडल में सिंपल सला हो जाएगा बॉस आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ मैनुअल स्ट सॉरी आई एम यूजिंग इंग्लिश बिकॉज देर आर अलॉड ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड फ्रॉम साउथ इंडिया दे हैव रिक्वेस्टेड एट सो प्लीज थोड़ा उनको भी कंसिडरेट करके चलता है एंड दे आर ऑल्सो आर पीपल राइट इट्स नॉट लाइक दिस ओके सो इट जस्ट दट माई मदर टंग इज हिंदी सो एवरी अदर वर्ड आई यूज इट्स इट कम्स इन हिंदी ओके एनी वेज सो दिस इज माई सेल्स ओके i'll complete the sales i will not use the word like this i will not use this okay i will not hard code even this also this i will hard code here i will hard code don't worry what i'll do i'll go to data and i'll or rather what i'll do is i'll go over here okay don't worry we'll do this curling e equal to data and and once you use this and you do Control Shift three, Control Shift three, it will become the date, and you have to do go over here. And what you need to do is you need to do this Y Y Y Y, -Y. Okay, this and. अभी आपको क्या करना पड़ेगा बट उसके लिए द प्रॉब्लम इज दैट इट्स लाइक दिस एंड यू नीड टू डू इट दिस ओके कर सकते हैं वी कैन डू इट बट आई जस्ट डोंट वांट टू टच दिस पर्टिकुलर थिंग यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलो विल डू दिस नो प्रॉब्लम हम क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं एंड सेल्स में आई डोंट वॉन्ट टू कॉपी इट ईदर ओके हाउ टू डू इट ओके विल डू इट चलो नो no वरीज तो 2023, ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड थर्टीन जो है दिस इज़ माई डेटा शीट्स आया है एंड वट आई डू इज़ इसमें मैं प्लस करूँगा थ्री सिक्सटी फ़ाइव तो टू थाउजेंड आ जाएगा एंड इसमें मैं प्लस करते जाऊँगा थ्री सिक्सटी तो फाइव नीचे तक आप देख रहे हो टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन तक आ गया एंड टू थाउजेंड थर्टीन से द फर्स्ट ईयर इज़ टू थाउजेंड थर्टीन ओनली राइट इट्स टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वहाँ पर स्क्रीनर पे हमें ट्वेल्व ईयर्स का डेटा मिला था इफ आई गो टू थाउजेंड इलेवन से था बट हमारे एक्सेल शीट में टेन ईयर्स का डिस फाइन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस मतलब इतना कोई डिफरेंस उन्नीस बीस का फर्क पड़ेगा इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी यूज ओके ना वट आई डू इज फ्रॉम दिस टू दिस डेट टेन क्योंकि मुझे पता है मेरे स्क्रीनर का डेटा शीट टेन तक देता है तो आई गो ओवर हियर एंड

प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग रियली वेल प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग रियली वेल वॉट आई डू एस मैं जितना भी एक्चुअल है ना उसका पहले ब्लैंक सेलेक्ट करता हूँ सो द नंबर ऑफ सेल्स आई हैव सिलेक्टेड इज टेन राइट आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज टेन राइट सो आव सेलेक्ट दिस ब्लैंक सेल टेन आई प्रेस एफ टू ये ऑटोमेट इसी से होगा नहीं तो नहीं होगा ऑटोमेटिक आई प्रेस एफ टू इक्वल टू ट्रांसपोस कॉमा अब इसको अपने को एरे में कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज आई गो ओवर ह्योर एंड आई स्टार्ट पिकिंग इट फ्रॉम ह्योर एंड आई गो टिल एंड डोंट प्रेस इंटर डोन्ट प्रेस इंटर यू नीड टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर आप इंटर प्रेस करोगे तो नहीं आएगा कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करना पड़ेगा आप देख रहे हो गए यहां पर यह ब्राकेट लग जाएगा अलग से सॉरी

वट आर डू इज सिंपल बॉस दिमाग पे लोड ही नहीं लेना है बिल्कुल भी दिस इज माई वॉइस एप सेल्यूट रिफरेंसिंग दिस इज माई एक्सेस एप सेल्यूट रिफ्रेंसिंग डॉरी एम डूइंग इट वेरी फास्ट बट इट्स ओके यू विल्सो डू इट ठीक है आप देखोगे वहाँ सर थ्री ईयर थ्री परसेंट रहा था कुछ भी कर लो भाई आपका जो मेन मटेरियल है वो टर्मिनल ईयर से आना है ओके सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ओवर ईयर द मेन मटीरियल विल कम फ्रॉम द टर्मिनल ईयर ओके ना प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस सॉरी आई एम सो सॉरी आई ट्राई टू कट दिस ओके नाउ दिस इज माई फोरकास्टिंग द फोरकास्टिंग को मैं क्या करता हूँ वट आई डू इज आई जस्ट पुट अ ग्रे कलर ओवर हिस्सर सो दैट वो विजिबिलिटी आए आपको दिस इज द फोरकास्टेड डेटा यू कैन डू दिस ये भी कर सकते हो बट लेट्स कीप इट सिंपल एंड सोबर सेकेंड ग्रे नाउ यह मैंने सेल्स का फोरकास्टिंग करा है आई वॉन्ट यू टू डू द सिमिलर फोरकास्टिंग i want you to do the similar forecasting for what so end pe gaye and i want you to do the similar forecasting for this particular thing where it is pbt achha ab idhar se le lo aap usko historical financial se le i want you to do it for our earning before interest and in tax and okay

क्या ये कांस्टेंट रखना है बिल्कुल कांस्टेंट रखना है गलती कर दी मैंने एक मैं इसको एफ फोर कर देता हूं इट विल कांस्टेंट नाउ बिल्कुल कांस्टेंट है ठीक है एबिड्डा का फिगर क्या मैं यहां से ट्रांसपोज ही करना है मुझे मैंने पूरा सिलेक्ट किया है मैं ये फंक्शन वापस यूज करके बता रहा हूं पूरा पहले आपको सिलेक्ट करो एंड मेक श्योर सॉरी मेक श्योर कि आप जितनी सेल सेलेक्ट कर रहे हो

What I want is, I want this particular number. So I'll select it completely. 10, 10 column, okay, and F2. The moment you do that, you will go over here. You will select the Ebidda. You won't press Enter, sir. You will press control Shift, and Enter. And it will come like this. Okay, and it will come like this. Now, वट हैप्पनड इस हमने क्या करा था हमने उनसे एंकरिंग करी हुई है तो इसलिए वो नंबर सेम बता रहा है डोंट वरी यहाँ से एंकरिंग कर दो तो, उसको उठा दो कोठा के इधर ले आओ इट्स नॉट वैसे तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो लेटेड भी लेकिन करते जाओ तो बेटर रहेगा सीरियस see this the ebitda is reducing it's okay We I, i'm not i'm not looking for towards that Iskele usually a sales forecasting is the primary measure okay. can i do one more thing absolutely i can just let me check if it is there net profit okay so this is there so can i have the eps amount अर्निंग पर शेयर इज नेगेटिव कंपनी का हेल्थ ही वैसा है ना क्या कर सकते हैं अपन अर्निंग पर शेयर नेगेटिव आ रहा है डिविडेंड दिया नहीं कंपनी ने जो भी है मेरा लॉजिक अभी ये थोड़ा ना देखना है कि ये क्या डेटा है मेरे तो ऑटोमेट करना है ना ठीक है आई वॉन्ट टू डू दैट ना फर्स्ट ओके ना आई गो डाउन आई गो हि एन आई पेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग मैं क्या करूंगा ना वॉट एल डू आई एल सेलेक्ट दिस ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू एल टेक इट टू ये सब फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना बॉस दोनों में गैप टू का होना चाहिए ये सब चीज़ें थोड़ा फिक्स ही लगेगा मॉडल आपका ओके आई वॉन्ट यू टू बिकम द ओ जी ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग राइट आई होप जो लोग समझ पा रहे हो समझ रहे हैं जो नहीं समझ पा रहे हो गूगल करो ओ जी का क्या मतलब होता है आई हैव फाउंड इट वेरी रिसेंटली एक्चुअली सो आई एम फ्लॉन्टिंग इट ओके Now, what I'll do is, I'll pick from here my sorry, I'll pick from here my forecasting may I'll pick this particular thing. It's okay, do it, no problem. कोई दिक्कत नहीं, अभी हिल गया है वो, अभी एक मिनट में सुधार लेंगे उसको, okay? Now. ट ऑल यू आई एम सी एक मिनट एक मिनट जस्ट लेट मी मेक वन थिंग क्लियर क्या मैं डेटा शीट के अंदर ई पी एस नहीं निकाल सकता था बिल्कुल निकाल सकता था ये नेट प्रॉफिट और नीचे रहे नंबर ऑफ शेयर्स ठीक है मैं निकाल सकता था बॉस बट आप समझ रहे हो यू हैव टू रिस्पेक्ट द मॉडल इन ऑर्डर टू टेक द कंट्रोल ऑफ दैट मॉडल

I'll go to screener. A I'll go to screener, screener.in.xl. Go over here. I'll upload this particular file, choose this. I where I have saved it, I have saved it somewhere over here. Forecasting techniques. Now where I have saved it, so saved it in financial modeling. And financial modeling may I'll go over here. Financial मॉडलिंग सिक्स जो ये आपके पास एक्सेस है पूरा ओके एंड मैं इसको अपलोड कर दूँगा वंस हिंदुस्तान फूड्स इट्स अ गुड इट नाउ यू ओपन इट आपको पता है क्या मैंने का मतलब उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको इनेबल आप जैसे ही करोगे यू विल सी राइट right. ये क्यों हुआ क्योंकि हमने एरर का फार्मूला नहीं लगाया इसलिए हुआ सर ठीक है ये सेल जीरो है क्योंकि वो टू थाउजेंड थर्टीन की सेल्स ही अवेलेबल नहीं है उसके पास ठीक है दैट्स वाई इट इज शोइंग एज ज़ीरो यू विल पिक सम अदर कंपनी पिक सम गुड अदर कंपनी लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी पिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेफ कंपनीज राइट कंपनी कॉन्स्टेंट हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ मतलब रुका ही नहीं है ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है fair. Yeah, let's pick a <coughs> new supermarket. each year the sale has been increased 22 33 46 64 85 this is this is the business this is the quality of business right spotless spotless export to excel just open it and enable boom right it's right in front of you what happened yep. yes data sheet b12 um, बी सेवनटीन बी सेवेंटीन टू के सेवेंटीन लेट मी सी इफ देर इज एन इशू बी सेवेंटीन इज दिस टू के सेवेंटीन इज दिस वाइडली उसको सेल्स तो ये लेना चाहिए उसने क्यों नहीं लिया लेट मी चेक सो वॉट वी नीड टू डू एज वी नीड टू प्रेस कंट्रोल ऑन पूरा मैं एर ए सिलेक्ट करूंगा हो गया okay, yeah. ये एक एक्टिविटी जो हमें करनी पड़ेगी टू मेक श्योर की वो प्रॉपर हो कंट्रोल ऑल इंटर डू दिस कंट्रोल ऑल इंटर सीरियस सो इजी सो इजी फॉर यू ओके आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे प्लीज डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंग एंड वन मोर थिंग वन मोर थिंग प्लीज प्लीज प्लीज़ ये मैंने प्लान किया था लिटरली आई एम टेलिंग दिस टू यू ये चीज़ मैंने प्लान की थी ओ के लेट मी जस्ट कम ऑन दैट स्क्रीन या सो ये चीज़ मैंने प्लान की थी कि मैं फॉरकास्टिंग का वीडियो लेकर आऊंगा वन आई आई द चैनल विल गेट वन टेन थाउजेंड फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बट आई एम रियली नॉट डो नॉट वॉन्ट टू रन बिहाइंड द नंबर्स दट इज नॉट द आइडिया ऑफ ओपनिंग दिस पर्टिकुलर चैनल

राइट सो दैट इज नॉट समथिंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि जब आप स्टडी कर रहे हो तब बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाए ठीक है वेन आई विल एड इन फ्यूचर इफ समथिंग लाइक दैट हैपन आई आई विल लेट यू यू नो नो दैट हैव स्टार्टेड द मॉनेटाइजेशन बट आई वॉन्ट आई देर इज नो सच प्लान राइट द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव इज प्लीज प्लीज स्प्रेड द न्यूज आप नॉलेज को अपने पास तक मत रखो कि ओ माई गॉड मेरे को तो खजाना मिल गया वैल्यूशन स्कूल का चैनल अब मैं किसी और को नहीं बताऊंगा जस्ट इमेजिन अगर मैं भी ऐसे करता हूँ तो यू विल नॉट भी हैविंग गटिंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज राइट सो जस्ट स्प्रेड दिस थिंग अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे बड़े नालायक आपको ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के तुरंत जाके फटाफट सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है राइम सींग दट अलॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग द वीडियो बट दे आर नॉट लाइकिंग इट दट्स हाउ द यूट्यूब एलगोरिदम वर्क सो यू नीड टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट में आप अपने फीडबैक लिखो पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इट इज डज नॉट मैटर राइट दो तीन और भी हैं जो डिसलाइक करते हैं बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन वो चांद पे काले टीके जैसा है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन राइट बट आई एम रियली हेल्पफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू की कमेंट्स में कमेंट्स आर गेटिंग मी मोटिवेटेड राइट द हेल्थ वॉज नॉट अलाउिंग मी टू डू द कंटिन्यूस वीडियो बट नाउ आई बिलीव फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड विल बी हैविंग मिनिमम टू टू थ्री वीडियोज ऑफ

ठीक है बाय बैक के ऊपर बताओ इफ यू वॉन्ट लेट मी नो एंड आई विल क्रिएट द वीडियो ऑन द फॉलोइंग आप बताते जाओ क्या वीडियो बनाते जाना है एंड आई विल प्रिपेयर द वीडियो फॉर यू डोंट वरी एंड दैट्स ऑल इतना ही था आज के लिए एंड आई होप आप इसकी बहुत जम के प्रैक्टिस करोगे और ये प्लीज़ आप इसको स्प्रेड करना जितने लोगों में कर सको यार इसको एक साल के अंदर अपन बड़ा करते हैं ठीक है मिलके बड़ा करते हैं एंड आई आई हैव सम गुड प्लान्स फॉर यू इन फ्यूचर एंड आई विल शेयर इट विथ यू व्हेन द टाइम इज़ राइट राइट सो That's it for now. Thank you so much again. Thank you. Thank you so much. And that's it. Bye bye. This is Parth Verma signing off.